हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज थिंद और आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसके ऊपर आज आप बात करेंगे। तो आगे करने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी रही वीडियो, ठीक है। और अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगर मैं चैप्टर की स्टार्टिंग करूं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक मैग्नेट से हुई थी, उसकी टाइप से हुई थी, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की, ठीक है। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी अक्रॉस ए बार मैग्नेट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट बीच में कई रूल्स भी आए, राइट हैंड थंब रूल के ऊपर अपने बात करी, फिर अपने बात करी स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैसे बनता है, और आज बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ठीक है। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को तो मैं भूल गया बीच में, हाँ ओस्टेड भी एक्सपेरिमेंट आया था, ठीक है, कि आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो, है ना। और लास्ट में आएगा बिल्कुल फैराडे और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, ठीक है, फैराडे के ऊपर आप बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर क्या देखा गया, आज क्या देखा गया मतलब देखा जाएगा अभी आगे। तो पहले बात करते हैं स्टेट कंडक्टर की, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो स्टेट कंडक्टर के अंदर क्या था कि जब भी एक ये स्टेट वायर है उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इसके अक्रॉस, कर चुके हैं यहाँ तक आप, ठीक है। आज देखते हैं इसी वायर को ना अब बेंड कर दिया गया, ऐसे वायर वही है, कॉपर की वायर आप लेते हैं, ठीक है, उसी वायर को बेंड करके जब उसमें से करंट पास करवाया गया तो थोड़ा सा कई चीज़ें नोट करने वाली सामने आई और समझने वाली सामने आई, ठीक है। एक तो देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ठीक है, और उसी वायर को जब मैंने ऐसे बेंड कर दिया अब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए क्या होता है सारी चीज़ें। तो मेरे पास वही एक वायर थी, कॉपर की एक वायर लेते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आता है कई बार एक्टिविटी के रूप के अंदर आ जाता है कि एक एक्टिविटी के थ्रू इस चीज़ को समझाओ आप, ठीक है। तो आप एक्टिविटी के थ्रू भी समझा सकते हो इसको और सारी बातें मैं तुम्हें लिखवा भी देता हूँ कि आपने कैसे कैसे लिखनी है सारी बातें, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या बनता है इसके अंदर। तो ये मैंने क्या किया, एक वायर ली, ठीक है, एक कॉपर की वायर है जनरल, ठीक है। इस वायर को मैंने क्या किया है, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे बेंड कर दिया सर्कुलर शेप के अंदर, ठीक है, और इस वायर के दोनों एंड को मैंने बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, और दूसरे एंड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो करंट इस वायर के अंदर इस वे में फ्लो कर रहा है, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है करंट इसमें से, ठीक है। सारी बातों को लिख भी लेते हैं इधर, ठीक है। कंसिडर अ सर्कुलर वायर इन विच, हाँ जी, करंट फ्लोज करंट क्या कर रहा है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है ये, यहां लिखता हूं, इधर जरूरत पड़ेगी मुझे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, अब देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट फिर से आप देखते हैं। यहां पर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इस तरफ करंट जा रहा है ना, तो क्या देखा गया कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो इस कॉइल के दोनों एंड के क्रॉस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं, इस एंड के क्रॉस भी, ठीक है, और इस एंड के क्रॉस भी क्या बनने लग जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर मैं इसी चीज को एक कार्डबोर्ड के ऊपर, जैसे अपने प्रीवियस
करी थी एक्टिविटी कि एक कार्डबोर्ड के अंदर स्टेट कंडक्टर को कार्डबोर्ड के ऊपर से पास करवा देते हैं बीच में से, और आयरन फाइलिंग्स जो है वो यहाँ पर स्प्रेड करवा देते हैं, ठीक है। और जैसे ही करंट फ्लो करवाते हैं तो आयरन फाइलिंग्स जो होती हैं वो ऐसे सर्कल बने हुए अपने को शो होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सेम वही कॉन्सेप्ट है। मान लो यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड रख दूँ मैं, ये कार्डबोर्ड रख दिया मैंने, ठीक है। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर मैं बोलूँ कि मैंने आयरन फाइलिंग को क्या किया, स्प्रेड कर दिया, तो क्या देखने को मिला मुझे कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर इस वे के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सामने आई यहां पर कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो डायरेक्शन थी, चलो लिख भी लेते हैं इधर, ठीक है। वेन अ करंट पास थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर देर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड नियर द कॉयल, नियर द कॉयल, ठीक है। कॉयल के यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म हुए और यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म हुए, ठीक है। या आप बोल सकते हो एट द एंड ऑफ द कॉयल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक्चुअल में है क्या चीजें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही हैं वो। अब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है, वो देखते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। भाई मैंने नहीं जाना, जाओ, है ना, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो करंट ऐसे चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वे के अंदर, तो कैसे चलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वे के अंदर, है ना, समझ में आया, ठीक है। अब करंट यहां से नीचे आ रहा है तो इधर से बाहर ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, क्लियर है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है इस वे के अंदर, तो कई चीजें सामने ये देखने में भी, ठीक है। तो पहली जो चीज सामने आई क्या, डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये क्वेश्चन पूछ लेगा किस रूल का आप यूज कर रहे हो यहां पर इन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा रूल था, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है, लिख लिया यहां तक, इरेज कर दूं ऊपर से, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज इसके क्रॉस, ठीक है, तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे आप, ठीक है। हाँ जी, तो क्या देखा गया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ जी, कैसी हैं, इनसाइड द सर्कुलर लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है उनकी डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम हो रही है। और आउटसाइड द सर्कुलर लूप देखो, इस कॉयल के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अलग-अलग है, यहां इस तरफ जा रही है और यहां से इस तरफ आ रही है, बट इनसाइड द सर्कुलर लूप क्या है, इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है ना, भी ऐसे, ये भी इस तरफ, ऐसे ये भी इस तरफ, क्लियर है, दोनों ही ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड द सर्कुलर लूप, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड द सर्कुलर लूप आर सेम, है ना, क्लियर है। और अगर ऐसे ही मैं ये बनाता जाऊं तो बिल्कुल सेंटर में देखो, बिल्कुल सेंटर के अंदर, ये बिल्कुल सेंटर में कैसा बिहेव कर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन चल रही है सेंटर में, देखो कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल चल रही है,
है ना, ऐसे दिख रहे क्या? एट द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आर पैरेलल। कैसी हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के, ऐसे, ठीक है। एंड स्ट्रेट विच शोज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, विच शोज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? जो क्या शो कर रही है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म हो सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि सबसे मेन दो ही तीन बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि एट द एंड ऑफ द कॉयल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, पहली बात, ठीक है। सेकेंड कि एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कैसे चलती है? स्ट्रेट और पैरेलल चल रही हैं, जो शो कर रही हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। थर्ड, इनसाइड द सर्कुलर लूप जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो क्या है? सेम है। आउटसाइड क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गए ये दो तीन? ठीक है, और पूछ लेगा कि इसके ऊपर आपने रूल कौन सा यूज किया इनकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का ला, तो वो था अपने पास कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब इसके अंदर एक और पूछ लेते हैं, जैसे अपने स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर भी पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पर मैंने आपको दो पॉइंट बताए कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। और सेकेंड पॉइंट बताया था आर के ऊपर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। अगर कंडक्टर से आप दूर जाते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। और यहां पर एक सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, कर लिया राइट? इरेज कर दूं, ठीक है। इस सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वो दो पॉइंट तो देखो कॉमन है ही, उनके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। कौन सा? आई के ऊपर भी, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। तो पहला फैक्टर तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं ना, क्या? कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई के, ठीक है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। और सेकेंड आप फैक्टर कर चुके कि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? और थर्ड पॉइंट किसके ऊपर? नंबर ऑफ टर्न्स, ऑफ द कॉयल, मान लो ये तो एक ही कॉयल थी सर्कुलर, ऐसे अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो, बहुत सारी टर्न्स हो, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कौन सा है? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब सर्कुलर लूप के अंदर अगर पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है इन केस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, तो सर्कुलर लूप में आई के ऊपर, ठीक है। सेकेंड थिंग कौन सी है अपने पास? डिस्टेंस के ऊपर। और थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। जैसे ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, इसके ऊपर मैंने कॉपर की ये क्या कर दिया? वाउंड कर दी, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दी। तो जितनी ज्यादा ये नंबर ऑफ टर्न्स होती जाएंगी, वायर को आप लपेटते जाओगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा, अब एक रूल जो आपको करवाना है मैंने, जो आगे यूज होने वाला है, कर दूं मैं इसको रेज, ठीक है। अब वो रूल क्या चीज है? ठीक है, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल नाम से ही है ना, फेस देख के बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल बना है ना, क्लॉक फेस रूल,
क्लोक फेस रूल। ठीक है, समझ गए। इस रूल का यूज किया जाता है एक सर्कुलर कॉइल का। देखो ओस्टेड ने क्या बोला था कि जब भी एक कंडक्टर में से आप करंट पास कराओगे तो वो मैग्नेट बन जाएगी। अब आपके पास सर्कुलर लूप है एक, ठीक है। अब सर्कुलर लूप में से करंट पास करवाया तो वो सर्कुलर लूप भी क्या बन गई, मैग्नेट बन गई। अब जैसे वो मैग्नेट बनी तो उसका कौन सा पोल बना, नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा, ठीक है। अब उस कॉयल के फेस को देख के ही आप बता पाएंगे कि इस ये कौन सा साउथ है या इसका नॉर्थ पोल है, क्लियर है। और उसी के नाम के ऊपर रूल का नाम रख दिया गया, क्लोक फेस रूल, ठीक है। अगर कॉयल के अंदर, देखो मैं अगर कॉयल लेता हूं इस वे के अंदर, एक सर्कुलर कॉयल ले लेते हैं, ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉयल है, ठीक है। अगर कॉयल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे, समझ गए, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज ये जो डायरेक्शन मैंने बताई हुई है ना, ये करंट की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अगर करंट इस वे के अंदर चल रहा है क्लॉकवाइज तो वो कौन सा फेस होगा, वो होगा साउथ, ठीक है। तो वो कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अगर उसके फेस के अंदर, जैसे ये मेरे पास कॉयल है, अगर इस कॉयल के अंदर मुझे पता है करंट ऐसे चल रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, तो इट मींस करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। तो दूसरा अपने आप ही क्या बन जाना है, नॉर्थ बन जाना है, क्लियर है। अगर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया, तो ये कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, क्लियर है, ठीक है। तो इस कॉइल के अंदर इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज, देन द पोल ऑफ, ये कौन सा पोल बनेगा, देन साउथ पोल, देन साउथ पोल एग्जिस्ट, ठीक है। तो कौन सा ये पोल बन जाएगा, साउथ पोल, एंड अदर सेकेंड पोल कौन सा हो जाएगा, एंड अदर पोल कौन सा हो जाएगा, इज नॉर्थ। तो दूसरा पोल कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, देन द फ्रंट फेस जो होगा, फेस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। और बैक फेस कौन सा बन जाएगा, इज साउथ पोल, क्लियर है ये बात, ठीक है। फ्रंट फिर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, और बैक वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। और क्लॉक फेस रूल का यूज कहाँ किया जाता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड, या बोल दें अपन चेक द पोलैरिटी, चेक द पोलैरिटी ऑफ अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप की पोलैरिटी चेक करने के लिए क्लॉक फेस रूल का यूज किया जाता है। करंट की डायरेक्शन अगर उसमें कॉयल में क्या हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो वो साउथ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो वो नॉर्थ है, क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आप बात करेंगे, कॉयल के ऊपर ही एक टर्म आती है, दैट इज सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती हैं, तो इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।